हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइज, अभी बज रही सुबह की 10 और मैं आ चुका हूँ बांसवाड़ा में। तो गाइज, आज हम लोग करेंगे बांसवाड़ा को कवर। गाइज, आज हम सारा कवर करने वाले हैं बांसवाड़ा को। तो सबसे पहले मैं आया हूँ जगमेर हिल्स पे, उसके बाद हम जाएंगे वाटरफॉल पे, उसके बाद हम जाएंगे माई डैम जो कि एक सबसे बड़ा डैम है। और आज हम जाने वाले हिल्स, वाटरफॉल्स और अलग अलग जगह जाने वाले हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को सबसे पहले जगमेर हिल्स ले जाता हूँ जो कि यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर है। भारी वाली बारिश, अगर आप बांसवाड़ा आते हैं और यहाँ पर नहीं आते हैं तो बांसवाड़ा आने का कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ सिनेमेटिक शूट दिखा लेता हूँ यहाँ के। अब हम चढ़ते हैं जगमेर हिल्स के लिए। जगमेरु हिल पहुंच चुका हूं और मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहां से कुछ लोकेशन। ये जो लोकेशन है, आप लोगों ने हमेशा महाराष्ट्र और साउथ की साइड देखा होगा। गाइस, जगमेरु हिल्स पर हाल ही में एक मंदिर का निर्माण यहां पर किया गया है और बारिश के दिनों में यह मंदिर बहुत ही सुंदर दिखता है। गाइस, आप लोग यहां पर जरूर आए। सो गाइस, आप लोगों ने जगमेरु हिल्स तो देख लिया होगा और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। अब हम चलते हैं माई डैम की तरफ और माई डैम आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आप राजस्थान के हैं और अगर आप लोगों ने बांसवाड़ा नहीं देखा है तो आप लोग जरूर आइए, और अगर राजस्थान से बाहर के भी हैं तो भी एक बार इस हिल स्टेशन पे जरूर आइए और मैं आप लोगों को बांसवाड़ा पूरा दिखाऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना और एक बार जरूर आना बांसवाड़ा। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं तो रास्ते में इन छोटी छोटी दुकानों से कुछ खरीद लिया करें ताकि इनकी भी कमाई हो सके। तो कितनी कमाई हो जाती है आप लोगों की यहाँ पे? लोग ले जाते होंगे, नहीं ले जाते? तीन दिन का हो जाता होगा। चलो बढ़िया। गाइस, मैं आप लोगों को इन अंकल की कलाकारी दिखाता हूँ। तो अब मैं निकल पड़ा हूँ माई डैम के लिए। माही बजाज सागर माही नदी पर एक बांध है। तो गाइस, हमें यहां से नीचे से होके जाना होगा। काफ़ी सीढ़ियाँ, इतना आधा किलोमीटर तो मैं चढ़ चुका हूँ ऊपर। मैं चढ़ता हुआ आ रहा हूँ और अभी भी इतना बाकी है। यहाँ से मैं व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को। बांध की लंबाई 3109 मीटर है और ये फाउंडेशन लेवल से 75 मीटर ऊंचा है। तो गाइस, ये राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा बांध है और आप देख सकते हैं इसका जो अभी लेवल है वो काफ़ी नीचे तक है, और जब मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी तो ये पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा। गाइस, माई डैम तो आप लोगों ने देख ही लिया है, अब हम चलते हैं चाचा कोटा की तरफ। तो गाइस, चाचा कोटा की वजह से ही इस बांसवाड़ा सिटी का नाम पड़ा है, द सिटी ऑफ 100 आइलैंड।
तो गाइज मैं आप लोगों को वहाँ पर काफ़ी सारे टापू दिखाऊंगा और आप लोगों को सबसे बेस्ट लोकेशन वहीं की लगेगी। तो चलते हैं आगे। अभी यहाँ से मैं निकल चुका हूँ और अभी बज रही है 11:30 और वापिस बारिश स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर वहाँ पे गए और बारिश आई तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बारिश में काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ का लोकेशन। सो गाइज ये लोकेशन मुझे मिला है तो मैंने सोचा ये क्यों ना यहाँ पे रुका जाए। तो गाइज अब निकलते हैं चाचा कोटा के लिए, आप लोगों को दिखाते हैं चाचा कोटा। तो गाइज ये लोकेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। गाइज हमारे जो टापू है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। चाचा कोटा आ चुका हूँ और अब मैं आप लोगों को ऊपर से लोकेशन दिखाता हूँ यहाँ का। तो यहाँ पे चढ़ना काफी मुश्किल लग रहा है, गिर गिर के चढ़ेंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये। ओह ट्रैकिंग भी हो रही है साथ में। तो गाइज अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को लोकेशन। वो है माई डैम जहाँ पर हम सुबह गए थे और ये उसी का बैक वाटर है। उस साइड दिख रहा है वो है केवन पुल। गाइज आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आप लोगों को लोकेशन। और यहाँ के व्यू के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक वाटरफॉल, वो भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद जाएंगे काकदी पिकअप पे और एक फेमस टेम्पल है साई बाबा का मंदिर, वहाँ भी जाएंगे। तो वहाँ जाने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा बहुत बोट में बैठेंगे, रहने वाला हूँ बोट पे। तो गाइज मैं आप लोगों को कुछ सिनेमेटिक शूट दिखा लेता हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। आप लोग ज़रूर आना यहाँ पर, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं और वीडियो शूट करते हैं तो इस लोकेशन पे ज़रूर आना, आप लोगों के वीडियो ज़रूर वायरल जाएंगे। इस यहाँ का व्यू आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अब चलते हैं नीचे और थोड़ी देर बोट में सैर करते हैं। तो गाइस नाव वाले काका तो दिख नहीं रहे हैं मुझे, यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने बोला कि आज शायद वो कहीं गए। सो गाइस मैं निकल रहा था तब रास्ते में मुझे मिल गए काका, वापिस अब जाना पड़ेगा और नाव में बैठते हैं और आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। सो गाइस काका वहाँ बोट रेडी कर रहे हैं तो अब चलते हैं माही रिवर के अंदर। तो गाइस अंकल जी आ चुके हैं, अब हम बैठते हैं नाव के अंदर। बैठो तो गाइज आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है बारिश में। देखो उमस से पसीने आ गए बच्चे वीडियो के चक्कर में, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज एक तो मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर सकते हो। मैं रुका हूँ एक प्यारी सी लोकेशन पे, ये लोकेशन आप लोगों को इंडिया और राजस्थान में काफ़ी कम जगह देखने को मिलेगी। लोगों को बता दें कि यहाँ पर कल्प वृक्ष जोड़े में यानी कि नर और मादा के रूप में, इन्हें राजा रानी के रूप में भी जाना जाता है। इन दोनों में से नर का तना पतला है और रानी यानी मादा का तना मोटा है।
यह बांसवाड़ा का लोकप्रिय तीर्थ स्थल माना जाता है। सो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ कडेलिया वाटरफॉल और आप लोगों को कुछ यहाँ की कुछ झलक दिखा लेता हूँ। गाइस, कडेलिया भी आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा और मेरी हालत देख के आप लोगों को लग रहा है कि सुबह से शाम हो गई है और मैं बांसवाड़ा बस घूम ही रहा हूँ। तो गाइस, अब हम चलते हैं साईं बाबा मंदिर की तरफ। तो मैं आ चुका हूँ साईं बाबा मंदिर के अंदर और दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करा लेते हैं यहाँ के। साईनाथ का मंदिर बांसवाड़ा से रतलाम मार्ग पर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साईं बाबा मंदिर के बाद हम लोग जाने वाले हैं कागदी पिकअप के लिए, जो कि साईं बाबा मंदिर के जस्ट सामने ही है। साईं बाबा का मंदिर देख लिया होगा और अब हम चलते हैं कागदी पिकअप के लिए। वाला है ना ये। तो गाइस, ये है जिप लाइन और इसका चार्जेज है 200 रुपीज। तो हम यहाँ से जाएंगे और वहां से हमें फिर पैदल आना होगा। तो गाइस, ये छोटा सा बांध है जहाँ से कुछ नहरें निकाली गई है जिससे कि बांसवाड़ा जिले में सिंचाई की जाती है। और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गाइज, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि भैंस पानी के अंदर जा रही है और इन्हें कोई भी डर नहीं है क्योंकि इन्हें अच्छे से तैरना आता है। तो देख सकते हैं आप, ये डायरेक्ट तैर के नहा के और फिर उस पार निकल जाएंगी।